असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रेस ये ड्रेस मैंने फैशन फेयर से ऑर्डर किया था इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल मेरून कलर ड्रेस और ये मैंने एक पार्टी वेयर ऑर्डर किया था तो इसको मैं खोल ली थी इसको मैंने पैकिंग से निकाल लिया था इन विच इट कम्स जो भी टी सी एस का पार्सल था उसमें से मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और यहाँ मैं इसके सारे कंपोनेंट्स बाहर निकाल रही थी चेक करने के लिए दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट सो लेट्स टेक एवरीथिंग आउट एंड टॉक अबाउट द ड्रेस तो यहाँ मैंने सब चीज़ें बाहर निकाल रही थी इंडिविजुअली मैंने कुछ भी नहीं देखा था मैंने सब कुछ बाहर निकाला और फिर मैंने उसको देखा कि हाँ सब कुछ पूरा है सब कुछ एग्जैक्टली exactly सेम है या नहीं है तो मैं खुद भी देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ तो सबसे पहले ड्रेस देख लेते हैं दिस इज़ द ड्रेस और दो दो मॉडल्स uh, ने पहना हुआ है उन्होंने अपने अपने स्टाइल से इसको स्टिच किया हुआ है इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह स्टिच करना चाहते हैं आपको कैसी शर्ट पसंद है लॉन्ग शॉर्ट शरारा गरारा वट एवर सो दैट्स द फ्रंट ऑफ द ड्रेस और इस पर सिक्वेंस का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर डोरी वर्क हुआ हुआ था इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके ऊपर तारा लगा हुआ था दैट्स दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल तो इट्स एग्जैक्टली सेम एज पिक्चर ये शर्ट का फ्रंट है उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस दीज आर द एक्स्ट्रा पैचेज तो उन्होंने ये पैचेस जो मॉडल्स ने नीचे लगाए हुए एक ने ट्राउज़र पे लगाए हुए है एक ने सारा शर्ट के फ्रंट पे लगाया हुआ है इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूटिलाइज इट आपको कैसे पसंद है आप कहाँ लगाना चाह चाहते हो बट इट्स एग्जैक्टली सेम एज़ द पिक्चर और ये पीआई पैकेज नहीं है मैंने पर्सनली ये ख़ुद ऑर्डर किया था और उसके बाद एक ये पैच था और ये मॉडल्स ने आई थिंक नेक लाइन पर लगाया हुआ है येस दिस इज़ ऑन द नेक लाइन और एक ने का स्टाइल बनाया हुआ है एक ने सिंपल नेकलाइन बनाया हुआ तो तो है इट्स तो रेली अप टू यू और दीज आर द स्लीव दीज आर एग्जैक्टली सेम एज पिक्चर और इसका स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा था इसका स्टफ एज यू कैन से मे क्रिंकल क्रिंकल शफोन टाइप इसका स्टफ था ना बहुत ज़्यादा नाजुक कपड़ा था ना बहुत ज़्यादा हार्ड था इट वॉज इन बिटवीन एंड दीज आर द स्लीव्स और स्लीव्स के बाद दिस इज़ द ट्राउजर यस दिस इज़ द ट्राउजर ऑफ द ड्रेस इसका भी स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा था इट्स मे बी इन आई डोंट नो द स्टफ एग्जैक्टली एंड दिस इज़ द बैक साइड यस दिस इज़ द बैक साइड इट्स इट्स योर चॉइस आप बैक में भी पैचज लगा सकते हो एज यू वॉन्ट एज यू लाइक एंड फाइनली दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द ड्रेस द दुपट्टा ऑफ द ड्रेस इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल और थोड़ा सा चेंज था लाइक ओरिजिनल से डिज़ाइनिंग में, में मिनिमम सी चेंजिंग थी बट दिस वाज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन ओरिजिनल वन और ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था इट्स इन औरगेन्जा यस यू कैन से दिस इज दिस वाज इन औरगैनजा और ये है ड्रेस की कंप्लीट लुक और इसका कपड़ा अच्छा खासा खुला था मतलब कोई भी इजीली स्टिच कर सकता है हेवी पर्सनस के लिए भी बिल्कुल ठीक था सब स्टिच करा सकते थे और साथ में इसके एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा भी था आई थिंक बैग के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी था कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने शर्ट में सो फ्रॉम माय साइड ये ड्रेस और ये पेज हंड्रेड परसेंट रिकमेंडेड है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं अगर आपको कोई ड्रेस पसंद है आप comfortably order and you will get whatever you will see in the picture and thank you very much for watching my video see you later inshallah Allah Hafiz